तो फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए पहली बार। हाँ यू टर्न लेके राइट लेने के बाद मैं हूँ जो जीपीएस आंटी मेरे को कह रही है, ये है सहारनपुर बाईपास और आगे जाके वही रोड आ जाएगी जो सीधी जाएगी लेफ्ट साइड में सहारनपुर। और अब मैं आप लोगों से कम बात करूँगा क्योंकि अब मैं जो वीडियो शूट करना है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, तो आप लोगों से अब बीच बीच में बात करता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन कुछ लगेगी देने की या दिखाता रहूँगा। बाकी आप लोगों से अब देहरादून पहुँच के ही अच्छे से बात करूँगा। वन मोर टोल प्लाजा, और इस टोल प्लाजा पे फास्ट टैग चल जाएगा, वरना अभी तक के लास्ट जो दो टोल प्लाजा थे मतलब एक ही पे मैंने पैसे पे किए थे वहां पे टोल प्लाजा नहीं था, यहाँ पे तो टोल प्लाजा चलना चाहिए। फास्ट टैग, सॉरी दीदी, फास्ट टैग, यस थैंक यू। फास्ट टैग इज मच बेटर कंपेयर टू कैश। ओके, माउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं और अब डिस्टेंस रह गया देहरादून का मात्र 16 किलोमीटर का। और यहाँ से अब देहरादून का जो ये जो डिस्टेंस है इसमें ये जो रोड्स हैं, रोड्स तो अच्छी हैं और जो चढ़ाई है वो बहुत कम है। यहाँ पे कर्व्स तो आते रहते हैं लेकिन जो चढ़ाई होती है वो यहाँ पे कम है नैनीताल से और भीमताल के कंपेरिजन में। पहुंच गया देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी कवर कर लिया अच्छे से। टाइम हो गया 12:15, पता नहीं मैंने किस टाइम में यहाँ पहुंचा था। मैं दो बार मैंने शूट किया, एक बार आके मैंने चेक किया कहाँ कहाँ पे काम चल रहा, कहाँ कहाँ पे मैं गाड़ी रोक के शूट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं वापस नीचे गया, फिर वापस ऊपर आके सारा शूट किया, तो मतलब दो बार मेरा देहरादून आना हो गया एक ही दिन में। अब बढ़ते हैं ऋषिकेश की तरफ, होटल की तरफ। टाइम मैंने आपको बता ही दिया है, 12:15 हो चुका है और यहाँ से डिस्टेंस होगा होटल का अप्रॉक्स 48 किलोमीटर करीब। तो जीपीएस पे लोकेशन लगाते हैं, बढ़ते हैं अब होटल की तरफ। लगा दी लोकेशन, 50 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 1:10 मतलब 2 बजे तक तो आराम से होटल पहुंच जाऊंगा। देहरादून का सिटी ट्रैफिक क्रॉस करने में हालत खराब हो रही है। अभी भी डिस्टेंस रह गया है 41 किलोमीटर, यहाँ से राइट जाना, उसके बाद सीधे सीधे हरिद्वार और ऋषिकेश आ जाएंगे। चलो, रोड अनडिवाइडेड से डिवाइडेड तो हो गई, अब ट्रैफिक भी खत्म हो जाए, धीरे धीरे सिटी से बाहर निकल जाए। पूरी तरीके से सिटी से बाहर आ गया हूँ, रोड्स आप देख रहे हो, मस्त 4 लेन का हाईवे हो चुका है। ऋषिकेश 35 किलोमीटर और होटल का डिस्टेंस रह गया है 32 किलोमीटर, ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी रोड्स की कंडीशन आप देख ही रहे हो, एक नंबर मस्त 4 लेन हाईवे हो रखा है। अब बस वो ISBT से 7-8 किलोमीटर का एरिया आता है जहाँ पे पूरा वो सिटी ट्रैफिक रहता है पूरा। जस्ट अभी एक टोल प्लाजा क्रॉस किया है आप लोगों ने अभी देखा, और देहरादून से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर करीब का, तो उसके बीच में एक टोल प्लाजा आया है। अब एक ही होता है या दो आते हैं ये मेरे को आइडिया नहीं है, वैसे तो एक ही होगा और जिस हिसाब से यहाँ की रोड्स हैं उस हिसाब से टोल देने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी रोड्स हैं, बहुत सही रोड्स हैं। और यहाँ से सीधे जाएंगे तो ऋषिकेश, और यहाँ से लेफ्ट लेने पे, सॉरी यहाँ से सीधे जाने पे दिल्ली, और यहाँ से अब ये लेफ्ट लिया है टूवर्ड्स ऋषिकेश। मुझे अब समझ में आया वो जो टोल नाका था मतलब टोल प्लाजा था वो किन के लिए था, वो जो दिल्ली यहाँ से ट्रैफिक जाएगा उनके लिए था वो टोल प्लाजा,
लव, मैं तो ऐसी रोड्स पे आ गया तो मेरे लिए टोल प्लाजा नहीं था, लेकिन वो क्रॉस तो मेरे को करना ही था। जस्ट ऋषिकेश से 12-13 किलोमीटर पहले ये पूरा यहाँ पे टिपिकल पहाड़ों वाला रास्ता आ गया। रोड्स की कंडीशन अच्छी है, बस वो टिपिकल पहाड़ वाला रास्ता है। मैं तो डाउन हिल आ रहा हूँ तो मेरे को ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है। अभी जैसे ही मैंने बोला कि मैं डाउन हिल पर जा रहा हूँ, वैसे ही मेरी चढ़ाई चालू हो गई। अब यहाँ पे प्लेन रोड्स हैं। एक काम करता हूँ, गोप्रो को माउंट करता हूँ। अब ठीक है, आराम से मैं ड्राइव कर पाऊँगा और आप भी आगे से एकदम आराम से नज़ारे इंजॉय कर पाओगे। गया मोड़, और अभी तक आपने देखा रोड एकदम सीधी, एकदम मक्खन की तरह थी, बटर स्मूथ। आज सुबह से मेरे को रोड तो अच्छी मिली है, कहीं पे भी एक भी बार मेरे को रोड जो है खराब नहीं मिली। बस वो देहरादून ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पे एक्सप्रेसवे का एक दो जगह काम चल रहा है, वहीं पे खराब थी। बाकी तो रोड्स मेरे को सुबह से प्रॉपर अच्छी तरीके से अच्छी वाली मिली है। कहीं पे भी मतलब एक भी ऐसा कोई पैच नहीं था जो मैं बोल सकूं कि हाँ भाई खराब था। ओके, मैं ऋषिकेश तो पहुंच गया, यहां से राइट जाऊंगा तो दिल्ली, और यहां से आप लेफ्ट जाके अपने होटल की तरफ 2.1 किलोमीटर। गंगा जी के दर्शन हो गए। दिन में तो बहुत गर्मी और भीड़ है, रात को ही सही है यहाँ तो घूमना। ओके, होटल तो पहुंच गए, चेक इन करते हैं फिर आपसे मिलते हैं रूम में। कर लिया चेक इन, पहुंच गया रूम में। ये अपना छोटा सा रूम है, यहाँ पे ये अपना बेड, उधर विंडो है उसका मैं भी आपको व्यू दिखा दूँगा। ये अपनी दो कुर्सियाँ यहाँ पे रख के खाएंगे, एडिटिंग करेंगे। ये अपना वॉशरूम, ये अपना मेन गेट, ये अपना टीवी जहाँ पे आईपीएल का मैच देखेंगे शायद, और व्यू ये है विंडो से बस। हो तो फाइनली ऋषिकेश पहुँच गए पहली बार। हाँ तो बस इस वीडियो करते यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी घर से लेके यहाँ तक। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये वीडियो मैंने दो पार्ट में बनाई है या एक पार्ट में बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा रेस्ट करके डाटा ट्रांसफ़र करके जाऊँगा शाम के टाइम पर, मतलब गंगा पास में ही है, मतलब राम झूला वगैरह जो भी है, लक्ष्मण झूला वगैरह सब पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। गाड़ी तो पार्किंग में रहेगी, अब कल निकलेगी जब मैं जाऊंगा देवप्रयाग। और हाँ, ओयो में रहना अब हमने बंद कर दिया, जितना भी हमने गुजरात ट्रिप पे ओयो में चेकिंग करी थी, मतलब रहा था, अब ओयो में रहना बंद हो गया। अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया। इस बार मैं रुकाऊँ ट्रिबो करके जो होटल्स होते हैं उसके अंदर, धीरे धीरे रेडिसन, ताज, ITC में भी पहुँचेंगे। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कैसी बनेगी, जैसी ही बनेगी मैं डाल दूंगा।